हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी। और ये हम घंटों मेहनत करके नहीं बनाएंगे इसको, ये हम झटपट बना के इसको रेडी कर लेंगे, क्योंकि ये हम इसे मिल्क पाउडर से बना के रेडी करेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ही अच्छा है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगी। तो आइए सीखें अपने शुद्ध पेड़े बनाना, वो भी बहुत ही इजीली केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने आधा कप दूध लिया है, और इसमें अब हम ऐड करेंगे लगभग 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और इसको हमें गरम कर लेना है, इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए, कि जिससे दूध और देसी घी अच्छे से मिक्स हो जाए। बस हमें इसे इतना ही पकाना है, ज्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। और इसमें मैंने अलग से शुगर का यूज नहीं किया है, और अगर आपको अलग से इसमें चीनी ऐड करनी है, थोड़ा मिठास और पसंद है, तो आप इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से शुगर का यूज नहीं किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी स्वीटनेस रहती है। मैंने नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज किया है, आप भी अच्छे ब्रांड का ही मिल्क पाउडर का यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप + 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, तो आप भी इस सेम रेशियो के साथ ही बनाएं, तभी एकदम परफेक्ट पेड़े बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मिक्सचर दूध और देसी घी का अभी एकदम गर्म ही है, तो इस स्टेज पे हम केसर के धागे भी ऐड कर देंगे। और ये एकदम से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो केसर के धागे तभी आप इसमें ऐड करें, बट मैं यूज कर रही हूँ। इससे क्या होगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ये मिल्क पाउडर लिया है, +1/4 कप और ले लिया है। अब इसको परफेक्ट एकदम टेक्सचर देने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये टिप आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एकदम लो फ्लेम पे, लेकिन आपको इसको रोस्ट करना है, तो जो आप अक्सर जब मिल्क पाउडर से मिठाई बनाते होंगे तो दांत में चिपकती है, लेकिन ये प्रोसेस करने से ये मिठाई आपके दांत में नहीं चिपकेगी। तो लगभग 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे हम इसे रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट, देखिए ऐसे ही कर लेंगे, फ्लेम एकदम से लो रखेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे से लग जाएगा। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। बहुत ज्यादा आप इसे रोस्ट ना करें, बस 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें इसे। अब ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था दूध और देसी घी का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम एकदम धीमे ही रहेगी और लगातार चला के हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं, उसके बाद फिर ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि लम्स नहीं पड़ेंगे। तो लगातार आप चलाते रहें और एकदम लो फ्लेम पे ही ये मिठाई बनाएं। देखिए लगातार चलाते रहेंगे तो एकदम भी लम्स नहीं पड़ेंगे, और ये अपने आप थोड़ी ही देर में गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए अभी ये लिक्विडी है, लेकिन ये थोड़ी देर में एक साथ कलेक्ट होने लगेगा, तो वो इंडिकेशन है कि हमारा मिक्सचर तब बनके रेडी हो जाएगा। और ये मिठाई, जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसमें अलग से शुगर का यूज नहीं किया है। अगर आपको मिठास पसंद हो और, तो आप इसमें, जैसा कि मैंने बताया, जब दूध और देसी घी आप गर्म कर रहे हैं तभी आप उसमें 2 से 3 चम्मच शुगर ऐड कर लें, लेकिन मुझे हल्की मिठास पसंद है और मिल्क पाउडर में इतनी मिठास रहती है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पेड़े। तो ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और साइड से पैन को छोड़ने भी लगा है, लेकिन अभी इसे थोड़ी देर और हमें पका लेना है। तो ये देखिए कम खर्चे में बहुत ही टेस्टी हमारे पेड़े बन जाते हैं,
और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए अब लगभग ये इसको टोटल मुझे पकाने में 6 से 7 मिनट लगे हैं और कैसे मिक्सचर एक जगह कलेक्ट होने लगा है और पैन एकदम छोड़ने लगा है, तो ये इंडिकेशन है कि मिक्सचर हमारा बनके रेडी है। तो हम तुरंत इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है। अभी ये बहुत गर्म है, इसे अभी हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम थोड़ा चम्मच से फैलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, इसके हम पेड़े नहीं बनाएंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा गुनगुना है, ये इसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम इसके छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथ में हम देसी घी थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे और इसको गोल शेप देंगे। ये देखिए इसको मैंने गोल शेप दे दिया है और इसको पेड़े का शेप देंगे। अब हम अंगूठे से इसको दबा के इंप्रेशन दे देंगे इस पे, जैसे पेड़े पे रहता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें थोड़े से पिस्ते और केसर के धागे से इसको गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारा पेड़ा बनके रेडी हो गया है, घर में एकदम शुद्ध पेड़ा। इसमें मैंने अलग से शुगर का भी यूज नहीं किया है, तो बहुत ही हल्का मीठा ये पेड़ा बनके बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ये मिठाई हमारी बनके रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एकदम लाइक करना ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।